What's up guys, this is Naveen and आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हाइपर हाउस इंस्पायर्ड MIUI 14 थीम लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आपको काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऊपर कुछ इस टाइप की एनिमेशन के साथ विजेट देखने को मिल जाते हैं एंड इसको आप अपने अकॉर्डिंग बाद में चेंज भी कर सकते हैं। बाकी आइकन्स भी यहाँ पे चेंज देखने को मिलते हैं, कंट्रोल सेंटर भी चेंज मिल जाता है एंड जो लॉक स्क्रीन है वो भी आपको यहाँ पे भाई चेंज देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों आपको यहाँ पे एक नहीं दो नहीं, आपको यहाँ पे तीन लॉक स्टाइल देखने को मिलते हैं एंड सभी के अंदर आपको अलग अलग फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नहीं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब मारो, कैसी वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी थीम का नाम है हाइपर वीएन वी2। सिंपल आपको यहां पर जाना है सर्च पर एंड यहां पे लिखना है हाइपर वीएन एंड वी2। सिंपल आपको इतना लिखना है। आपको जो यहाँ पे फर्स्ट थीम देखने को मिलती है आपको सिंपल ये वाली थीम को डाउनलोड कर लेना है। एंड आप देख सकते हैं 28 MB की ये थीम है एंड इसका जो डेवलपर है उसका नाम है KNBUI। तो सिंपल इसको डाउनलोड मान लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई हो जाने के बाद जब आप इसका लुक देखेंगे तो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो इसका लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। फिर इसके आइकन से ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा निखर कर सामने आते हैं, जिसकी वजह से जो लुक है इसका और भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला गया। इसके जो आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल आइकन्स है, आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको भी पसंद आने वाले हैं। पर हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की ये विजिट देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड दोस्तों ये भी आपको एनिमेशन के साथ देखने को मिल जाती है। पर दोस्तों अगर आपको ये विजिट पसंद नहीं है एंड इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे कॉर्नर में डबल टैप करना है एंड आप देखेंगे जो आपकी विजिट है ये भी आपको चेंज देखने को मिल जाती है एंड साथ ही इसके अंदर भी आपको एनिमेशन देखने को मिल जाती है। एंड अगर आपको ये वाली विजिट भी पसंद नहीं है तो सिंपल आपको डबल टैप करना है एंड आपको एक और विजिट देखने को मिल जाती है एंड ये भी पसंद नहीं है तो एक और विजिट देखने को मिल जाती है। एंड ये दोस्तों ये सभी की सभी आपको एनिमेशन के साथ देखने को मिलती है जो कि इस थीम की काफी प्लस पॉइंट है। तो आप इसको एक बार जरूर डाउनलोड करके चेक करना। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा आपको ब्लू शेड में देखने को मिलता है एंड दोस्तों ये भी आपको यहाँ पे ब्लर इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो इसका लुक है वो और भी ज्यादा ऑसम लगता है। बाकी आपको यहाँ पे अगर सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग भी आपको यहाँ पे चेंज मिल जाता है। देख सकते हैं जो इसके आइकन्स वगैरह है ये भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज मिल जाते हैं एंड दोस्तों ये जो इसका UI है वो आपको यहाँ पे हर चीज सेपरेट देखने को मिल जाती है। जैसे आपको यहाँ पे इतने जो ऑप्शन है ये आपको एक अलग उसमें रो में देखने को मिल जाते हैं एंड दोस्तों ये वाले जो आइकन है ये भी आपको अलग रो में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो इसका UI है वो बटा हुआ है। एंड अगर इसके और चेंज की बात करूं तो वो ज़्यादा कुछ तो इसके अंदर नहीं है, बट जब आप यहाँ से अबाउट फोन के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। जैसे आपको यहाँ पे डेवलपर का नाम मिल जाता है एंड ये थीम किस कंट्री की है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे Xiaomi थीम वियतनाम, तो ये वियतनाम की थीम है तो इसकी वजह से जो इसके ऑप्शन है वो भी आपको वियतनाम में लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप यहाँ से डायलर को ओपन करते हैं तो इसका जो डायलर है ये भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है एंड आप इसके जो आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे HyperOS के जैसे देखने को मिलते हैं। एंड ये दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनी शेड में है, ग्रीन तो कंप्लीट ग्रीन नहीं है बट हल्का सा लाइट आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है एंड इस तरीके से आपका जो इधर वाला UI है वो भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल। बाकी दोस्तों इसका जो मैसेज ऐप है वो भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों जो इस थीम का सबसे हाईलाइट फीचर है वो दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन है, जो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनिमेशन के साथ देखने को मिल जाती है। जो इसकी एनिमेशन है वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है एंड जो कि काफी ब्यूटीफुल एनिमेशन है। बाकी वॉलपेपर भी काफी जबरदस्त है एंड अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो सिंपल आप इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको स्वाइप डाउन करना है एंड आप देखेंगे आपको यहाँ पे तीन डिफरेंट लॉक स्टाइल देखने को मिल जाती है। मैं फिलहाल यहाँ पे नंबर 3 की यूज कर रहा हूँ, बट अगर आप यहाँ से नंबर 2 पर जाते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का स्टाइल देखने को मिलता है एंड अगर आप फर्स्ट पर जाते हैं तो आपको ये वाला स्टाइल देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों ये भी आपको यहाँ पे एनिमेशन के साथ ही देखने को मिलती है। तो अगर आप इस लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो सिंपल आपको यहाँ से सेटिंग पर जाना है। तो एंड उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपल अगर आप इसको यहाँ से छेड़ेंगे तो आपके जो ये क्लोक है इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से चेंज हो जाता है। तो सिंपल आप इसको कर लीजिएगा। बाकी अगर आप सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमाइज इफेक्ट, तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने जो वेदर का इफेक्ट है वो मैंने ऑफ किया कर रखा है। बाकी आप जो इसको ऑन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का वेदर इफेक्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे तीन डिफरेंट और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इनको भी दोस्तों आप 1 by 1 चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे लॉक स्टाइल का बता देता हूँ कि इसको कैसे कस्टमाइज करना है। तो यहाँ पे हमें चेंज टाइम स्टाइल, इससे क्या होगा दोस्तों आपकी जो क्लोक है इसका जो स्टाइल है ये आप चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल इस पर टैप करना है एंड आप देखेंगे यहाँ पे आपको एरो मिल जाते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे दोस्तों एरो को टाइप करते रहेंगे तो आपके जो क्लोक है इसका स्टाइल चेंज होता रहेगा। एंड
एंड अगर आपको वापस से बैक आना है तो सिंपल रिटर्न पर जाइए। एंड अगर आप इसको वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको जाना है यहाँ पे थीम वॉलपेपर पर, इस पर टैप कीजिए एंड आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वॉलपेपर देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों ये सभी की सभी आपको यहाँ पे एनिमेशन के साथ देखने को मिलती है, जैसे मैं दोस्तों आपको ये वाली दिखाता हूँ वॉलपेपर, तो सिंपल आपको इस पर टैप करना है, उसके बाद जाना है रिटर्न लॉक स्टाइल एंड यहाँ से कंप्लीट। एंड इतना करने के बाद दोस्तों जब आप इसकी एनिमेशन देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनिमेशन देखने को इसकी मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट है वो कुछ इस टाइप का इफेक्ट है। दोस्तों इन फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है थीम पर, एंड थीम पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है माय अकाउंट एंड लॉग स्टाइल, एंड उसके बाद जाना है आपको यहाँ पे कस्टमाइज पर, एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा थीम अनलॉक कोड, तो सिंपल आपको इस पर टैप करना है। एंड आप इसका पासवर्ड देख सकते हैं आपको क्या लिखना है, तो VINH SPACE PHUC। एंड इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ओके पर टैप करना है, जो आपके लॉग स्क्रीन के जो फीचर है वो यहाँ पे अनलॉक हो जाए। यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं तो आपको और भी ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप दोस्तों 1x1 चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे मिल जाता है कस्टमाइज टेक्स्ट, तो सिंपल यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, तो अगर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है या किसी और का नाम लिखना है तो वो भी आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड उसके अलावा दोस्तों अगर आप वहाँ पे वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं लॉग स्टाइल की या होम स्क्रीन की, तो सिंपल आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे लॉग स्टाइल वॉलपेपर 2 पर जाना है एंड उसके बाद मिलता है आपको कस्टमर डेप्थ वॉलपेपर, तो सिंपल इस पर टैप कीजिए एंड यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप इजीली यहाँ पे वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, मेरे दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो भी अपने बोरिंग फोन को कस्टमाइज कर सके। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।